फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सुबह का टाइम हो गया है, घर देखिए हमारा मतलब रूम घर जो भी होता है बहुत फैला हुआ है। और इसी बीच में मेरी मम्मी जी का फोन सुबह सुबह आ गया है, बातें कर रही सोनाक्षी दूसरे फोन पे आया है। तो ये सब कपड़ा कल का धुले थे ना, तो पतिदेव घर पे गए थे और हमको बोल रहे थे कि वंदना जी चलो शॉपिंग करा देते हैं, मैं छुट्टी रोज रोज नहीं लेता हूँ तो चलो मैं करा देती हूँ। तो फैमिली कल दसवीं था और वैसे ही लोग थके रहते हैं और मतलब बहुत लोगों की छुट्टी होती है और दुकानों की बंदी होती है, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं हम अरे नहीं जाएंगे, फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा घर वहाँ फैला हुआ है और कपड़ा तय लगा रहे हैं। इसी बीच में ये किट्टू जी आ गई हैं, इनके तो हस्बैंड तो बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग कराएंगे, क्योंकि अमित जी जो है ना उनका काम जैसे कि कुछ वैसा है मतलब कंप्यूटर वाला, और वो अपना अगर एक दिन पेंडिंग भी कर देते हैं तो दूसरे दिन वो कवर कर लेते हैं ना, और इसीलिए वो बार बार छुट्टी भी लेते हैं। आप लोग बोलते हो कि ये कौन सा काम करता है, इतना छुट्टी कैसे मिलता है? तो फिर अगर फैमिली अगर वो 10 दिन का काम अधूरा रहता है ना, वो 2-3-4 दिन में कवर कर लेते हैं और कंप्यूटर से। तो यही परचेज मैनेजर है ना? हाँ वो मैनेजर भी है, और काफी लोग कमेंट आता है कि क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। इन्होंने एक ब्लॉग बनाया था कंप्यूटर, जैसे जो नए नए जुड़े रहते हैं फिर उनको नहीं पता, पुराना ब्लॉग नहीं देखते हैं। तो ये सब फैला हुआ है, रूम सही करेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर देखते हैं। वैसे आज एकादशी है, चावल नहीं बनना चाहिए, और चावल नहीं बनेगा, देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं। ये हमारे पति देव का देखिए पैंट है, ये ड्यूटी का तो क्या है, ब्लू ब्लू। पहले लोग ऐसे ही स्कूलों में चलता था, नीला पैंट व्हाइट शर्ट ना, पहले हम लोग स्कूल में नीला घाघरा और व्हाइट शर्ट पहन के जाते थे। तो यही है औरतों की जिंदगी में, सुबह उठ कर काम धाम करो, जो जिम्मेदारी होती से निभाओ, और ससुराल में बिल्कुल सब कुछ, ससुराल में जो होता है टाइम से हो जाता है, यहाँ हम लोग के ऊपर है, बस करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे। लेकिन नवरात्र में हम सुबह मतलब नहा धोकर अच्छे से पूजा करके एकदम फ्री हो जाते थे, अब ये लोग कर लेते हैं सुबह सुबह पूजा। हमारा चाहे नवरात्र हो चाहे कुछ भी हो, सुबह पूजा करना है तो करना। तो उस समय घर में कोई नहीं था, तो हमारे पास सारी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना था। मेरे हस्बैंड सुबह उठ जाते, वो नहा को वो पूजा कर लेते हैं, फिर ये लोग नहा को पूजा कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब भगवान के सामने से हाथ जोड़ कर खड़े रहे तभी होता है, जब घर में कोई सदस्य कर लेता है और मन में भगवान को रखते हैं और क्या। तो यही सब काम लगा है, इसको तेल लगाएंगे अच्छे से रखेंगे, फिर ब्लॉग में जुड़े रहिए, हम देखते हैं करवा चौथी क्या स्पेशल कर रहे हैं। वैसे हमारे पास ना लहंगा है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि मैं किस कलर का ड्रेस लूँ और वही पहनूंगी। इस बार मैं सोच रही मैं अपनी फैमिली की कहना मानती हूँ करवा चौथ पे, है ना जी। लेकिन अगर 100 कमेंट में से 90% एक जैसा कमेंट रहेगा तभी हम लेंगे, अगर 10% इधर उधर रहेगा तो नहीं लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं किस कलर का ड्रेस पहनूं और ज्वेलरी में क्या पहनूं, रेड पहनूं। फैमिली हमारे बताएंगे, वो भी हम भी है फैमिली, तुम एक फैमिली। एक कमेंट मेरा आ गया ना रेड, इनका रेड का आ गया। अच्छी दूसरी फैमिली किस कलर का? मम्मी ब्लू। लो उसका ब्लू आ गया, रेड रेड। तो, मम्मी किस कलर का ड्रेस पहनेगी? उसको तो कलर के बारे में पता ही नहीं, रेड बोला है। रेड क्यों नहीं पता है बाबू? इस कलर ये कौन सा कलर है? ये रेड नहीं है, बच्चों के लिए तो रेड ही होगा। ये ऑरेंज कौन सा है? ये ब्लू है। और ये कौन सी कलर है? ये है ये लाइट आसमानी कलर, स्काई कलर, स्काई। तो फैमिली जुड़े रहिएगा, मतलब हमारी नौटंकी चलती रहेगी ना, तो नौटंकी चलती रहेगी। चलिए हम काम करने के बाद नहा धोकर अच्छे से मिलते हैं आपसे। A few moments later. So guys, आप देख सकते हैं वंदना दी ये अपना बेड कर रही नहीं। हाँ बेड उठाई है, मतलब इसका जो ये मेरा कद्दम बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्का है, आराम से निकाल ले। ये सही है, पकड़ो जी। सब कुछ इसी में ठूस दियो ना। ठूस क्या दिए है, जो सामान भी तो आना चाहिए, जो मतलब कि जो सामान निकालने वाला है इधर रखे। तुम्हारा सही है, तुम्हारा हल्का वाला है ना सही, हम लोग का बहुत वजन है इसमें। किट्टू मसीना चारा वाला लिया है। अरे यार
अरे इधर से खोलो, दप्पा उल्टा खोल रही हो। किधर है मुझे भी नहीं पता। ये चीजें इधर ही ऐसे ले ले आओ ना। इसको ऐसे उठाओ, अब इधर से खोलो, इधर जिधर हाथ डाली थी। चैनवा किधर है? इसकी लकड़ी वाला नहीं लेना चाहिए। ये ऋषभ जैसे लड़की बन जाता है। ये खुल गया पिटारा, इतना कपड़ा है। अभी ठंडी आने दो। मम्मी का पैसा है, मेरा है लहंगा, मेरा लहंगा है, बड़ा है महंगा। मैं सोच रही करवा चौथ पे यही पहनूं क्या? करवा चौथ पे नहीं, दिवाली पे। नहीं जी। हाँ। अच्छा तुम्हारा स्टार्ट करते करते बैग भी हो जाता है, स्टार्ट भी आगे भी हो जाता है पीछे ना। ये मेरा देखो। सो यही कलर तो मेरा भी दुपट्टा है। दुपट्टा सेम है। तुम्हारा दूसरा कलर है जी। मेरा पैंट सती कलर है ना। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नया ही है यार, नहीं खरीद। क्यों खरीदोगी फालतू में? पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं करवा चौथ पे इसी को ब्लाउज बनवा लेते, थोड़ा जो जाओ बनवा ले, पहन लो बस एक आध दो घंटे के लिए पहने ही है। अब खूब दुल्हन की तरह तैयार हो जाना। इसका देखो घाघरा नया है, देख रही हो? बेच भी सकती हो यार, देख रही, इतना प्यारा लगेगा, देख रही हो? लग नहीं रहा कि पुराना है। मेरा लहंगा तो ये है, हमारा लहंगा ये है जो मेरे किट्टों की शादी में खरीदा था। और ये लहंगा बहुत सस्ता था गाइस, बहुत सस्ता, ओनली 4,200 का, 4200 का, 4200 का लहंगा। इतना प्यारा लहंगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बंदा जी के घर पे मिलेगा। एक घगरा, एक दुपट्टा, एक ब्लाउज। ये ना ये जामुनी कलर का है। अरे मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ। अरे तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? तुम पहन के देखे, देखो हम किट्टो मौसी को पहने थे एक बार। अरे किट्टो मौसी का तू जानो ले ले वो पहना था। अच्छा माँ आईना इतना लग रहा है, बिल्कुल नहीं, गंदा भी नहीं है। बेच दो, जाओ दुकान वाले से पूछ के। हाँ यार कोई लेगा तो मैं बेच दूँ, सच में बताऊँ। कोई पार्लर वार्लर वाली दुल्हन रंग के लिए भी सही है। नहीं मेरे लिए लगता है शादी में पहनेंगे। मेरी पतली का काम भी अच्छा किया गया है। अब पार्लर वाली एक ही लहंगा कितना चलाती है, खरीद लेती है। तो गाइस ये हमारा लहंगा है जो मैंने अम्मी जी के शादी में खरीदा था और पहना था। और किट्टो का लहंगा, हमारा लहंगा एक ही दुकान से आया था, हम दोनों साथ में लिए थे क्योंकि इसकी शादी का सारा शॉपिंग। ऐसे ही पहन सकती हो साड़ी की तरह भी। हम तो पहनेंगे एकदम मोटे दिखेंगे। हम पहन ले क्या दिवाली पे? अरे यार तुम्हारी लड़की को इतना शौक है। चलिए ब्लॉग में जुड़े रहिए। देखिए देखिए ये देख सकते हैं आप सब, मम्मी यहाँ पे लहंगा पहन चुकी है। मैं देख रही हूँ गाइस, मैं लुक दिखा देती हूँ। मोटे लग रहे होंगे और क्या, कमेंट बॉक्स में करोगे हाँ मोटी, थोड़ा मोटा कम कर लो। देखिए खाते पीते घर ऐसे नहीं पहना जाता। मैं आप सबको लुक दिखा देती हूँ, थोड़ा पीछे चलो। ये देखिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है के ऊपर। और ये किट्टो मौसी देख रही है, देख रहे हैं कि कितना नया लहंगा है। ऐसे ही कर सकती हूँ वहां से करके। इधर इधर ये सबका टोपी है, देखो ऐसे ही तो पहनी थी चाचा की शादी में। अरे अरे सिंगल लुक है, सिंगल लुक है, सिंगल ऐसे साइड। आजकल लोग पहनते हैं। देखिए ये मम्मी ने बैग निकाला है और किट्टो मौसी सोच रही है काश मैं भी पहन पाती। इधर दिशा को देख सकते हैं आप सब, इधर मम्मी को देख सकते हैं। तो फैमिली ये रहा हमारा लहंगा, देखो सोनाक्षी पहन कर बहुत खुश है, बोले मम्मी ऐसा लहंगा मुझे भी दिला दो। वैसे मैंने इसको मीशो से लहंगा दिला दिया है, दिवाली पहनेगी। चलिए आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, अगर पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, जो नए लोग जुड़े वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।